अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं आपका सब खैरियत से होंगे। और गुड मॉर्निंग, और ये संडे की सुबह है जो कि हम सुबह की रूटीन शेयर कर रहे हैं आपसे, और हम बना रहे हैं इतवार को भी नाश्ता। तो कभी कभी दिल चाहता है बाहर से खाने का, लेकिन आपको पता है संडे को इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई होती हैं, इतनी लंबी लंबी लाइनें, यहाँ तक कि हलवा पूरी हो या फिर पराठा हो ये जो भी नाश्ता। हालांकि हमारे घर से दिल पसंद, और नहीं दिल पसंद नहीं, दमथल, हाँ दमथल और दिल पसंद बहुत करीब है, लेकिन जब वहां जाके रश देखा जाता है तो दिल ही नहीं करता कि बंदा वहां जाए। बहुत रश होता है, तो बहुत रश होता है वहां पे, लेकिन हम लोग ऐसे आम रूटीन में ले लेते हैं, लेकिन वैसे नहीं लेते। तो हमने सोचा कि हम घर में अंडा पराठा खा लें, क्या करें, वरना तो बहुत दिल है कि हलवा पूरी भी लाओ और पराठा भी खाओ, उसके साथ मलाई हो, छोले हो, बहुत दिल करता। तो ये हो रही है सुबह की रूटीन, ठीक है, पराठा अंडा और चाय। और कोई साला आपको पता है रात में आलू के पराठे बने थे, तो इसलिए जो है कुछ बचा कुछ है नहीं, ये हम पराठे से खा लेंगे। बहुत कम लोग बनाते हैं स्क्वायर पराठा, यानी कि मैंने जिसको भी देखा वो गोल पराठा ही बनाते हैं। और इसके बाद मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि मैं क्या पहन के जा रही हूँ हालांकि कल, तो हम आगे मिलेंगे, या फिर पहले नाश्ता करते हुए दिखाएंगे फिर उसके बाद बताते हैं क्या करेंगे। चलो जी, पराठे जो चार बन चुके हैं हमारे चारों के, और अब मैं डाल रही हूँ अंडा, अंडा फ्राई। बड़ा डर लगता है अंडा डालते लेकिन आदत भी तो हो गई है। और मुझे थोड़ा यानी अच्छी अच्छी जर्दी वाला अंडा पसंद है, तो ये मेरा अंडा ये जो है वो तो पसंद है, इनको पूरा करते हैं। मुझे अंडा बहुत बहुत पसंद है, अगर मुझे खाने में कुछ नहीं मिले तो मैं दो अंडे भी खा सकती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं ये तल चुका है, अब मैं इसे निकाल लूंगी। अभी ये साइड है और भी बहुत ज्यादा हो गया, आपको पता है सर्दी है, घी जम रहा है, तो इसलिए मैंने जमा हुआ डाला था, इसलिए ज्यादा हो गया ना, वो होता है। बिल्कुल सही सलामत अंडा तैयार है, वरना टूट जाता है ये, क्योंकि ना अक्सर अंडे जो है ना सही नहीं आते, ये पानी वाला अंडा है, इसकी शक्ल बता रही है, तो बड़े हमारी तरफ अंडे जो है ना खराब अंडे मिलते हैं, मैं अजीब से ही कैसे तैयार करती हूँ। इसी तरह मैं चार पराठे बना चुकी हूँ, चार अंडे कर लेंगे। ये देखें चारों पराठे तैयार हैं, दूध गर्म हो रहा है, और दूध मैं टेट्रा पैक वाला इस्तेमाल करती हूँ, मेरी पैक पहले मैं एवरीडे यूज़ करती थी, अब मैं छोड़ती हूँ एवरीडे, क्योंकि वो जब खोल लो ना उसका रैपर, तो उसके बाद वो पाउडर जो है ना, यानी या तो गुटलियाँ बन जाती हैं या दाने दाने आ जाते हैं, इसलिए मैंने उसको यूज़ करना छोड़ दिया। तो वरना मैंने काफ़ी साल उसी को यूज़ किया है, तो उसकी चाय थोड़ी वो ख़राब सी बनने लग गई, ऐसी बात है जब दूध ही सही नहीं होगा तो चाय क्या बनेगी, तो इसलिए ये मैं कार्टन ले लेती हूँ दूध का, वही यूज़ करती हूँ। ठीक है, इसी तरह मैं सारे तल लूंगी। और सब कुछ रेडी है, बस मैं चाय निकाल रही हूँ। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ यहाँ पे दूध, और ये बहुत गर्म हो रहा है, तो ज्यादा दूध की चाय पीते हैं हम लोग, इसलिए ज्यादा दूध लेंगे, बाकी को ढक देंगे। और मौसम बहुत खराब हो रहा है, अंडा खांसी, तो अंडा बॉइल करके खाए
नमक काली मिर्च डाल के खाए तो उससे सही रहेगा। और ये मैं निकाल रही हूँ चाय, थोड़ी सी गिरेगी क्योंकि ये पैन ऐसा है, लेकिन क्या पता ना भी गिरे। और ये नहीं गिरी तो मैं कामयाब हो गई चाय निकालने में, 2-3 ड्रॉप्स गिरे हैं। तो चले हम करते हैं नाश्ता, इसको रखते हैं ट्रे में, तो आ जाइए। दोपहर हो चुकी है, 3:30 बज रहे हैं, नाश्ता कर लिया है तो मैंने कर लिए हैं ब्रश अपने कपड़े, और लाइवा पहन रही है डेनिम और इसके साथ पैंट और टी शर्ट पहन रही है, और मैं पहन रही हूँ ये मेहरून कलर का बहुत ही खूबसूरत सा सूट। तो कमेंट्स में बताएं कैसा लग रहा है ये सूट, और इसका ट्राउज़र भी मेहरून है। और आज मैं पहन रही हूँ इसके साथ वही अबाया, मैंने इसको भी प्रेस कर लिया, आप देख रहे होंगे इतने ऊंचाई पे मैंने इसको लटका दिया कि इसकी प्रेस ख़राब ना हो, तो ये देख सकते हैं आप, इस पर भी मैंने प्रेस कर लिया। मैं पहनूंगी तो दिखाऊंगी आप लोगों को, तो अच्छा लग रहा है। और कल इतने सारे कपड़े धुले, ये आधे कपड़े यानी पूरे धुले हैं, ये आधे कपड़े सूख चुके हैं, आधे अभी रस्सी पे डले हुए। अब मैं इनको तय वह करके सही से अच्छी से रख दूंगी अलमारी में, और हम होते हैं तैयार जाने के लिए। अब हम तैयार हो चुके हैं और बिल्कुल रेडी हैं। मैगी खा रहा हूँ और हम रेडी हैं सब। ये देखिए ड्राइवर भी डायनम में रेडी है, मैंने अपाया पहन दिया है। अब हम चलते हैं, फिर मिलते हैं जहाँ हम जा रहे हैं। और ये हम आ चुके हैं खाला के घर, उन्होंने बहुत ही अच्छी चाय बनाई और एहतमाम किया समोसों से, मज़े की चाय थी। और ये उनका घर है माशाल्लाह साफ़ सुथरा सा, ये उनका एक्वेरियम जो मैं दिखाऊँ, बहुत ही प्यारी प्यारी फिशेस थी, और इसमें से मुझे येलो वो ऑरेंज वाली पसंद आ रही थी, अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छा प्यारा सा एक्वेरियम है माशाल्लाह से। ये देख सकते हैं आप फिश कितनी प्यारी है, बहुत अच्छा, यानी हमारे जो खालू है उनको बहुत है शौक़ एक्वेरियम का। और ये इनके रूम से है, तो यहाँ नमाज का वक्त हो चुका था मगरिब का, तो हमने सोचा चलो भाई नमाज पढ़ने चलते हैं। तो ये इनका एक और रूम है, इनके 4 या 5 कमरे हैं, यहाँ पे हम लोग भी बैठ गए थे। तो ये इनकी मशीन वगैरह रखी हुई है, यहाँ लग रहा है खाना रात के लिए, 9 बज चुके थे। उन्होंने बहुत ही मज़े की कढ़ाई और पुलाव बनाया था, बहुत ही यमी सा, तो ये देख सकते हैं शक्ल से ही अच्छी लग रही है। पानी है, सैलेड है, बहुत ही खूबसूरत सा उन्होंने सजाया खाना ने, और अम्मी की याद आ गई हमें, वो भी इसी तरह हमारे दस्तखान सजाती थी। और मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।